स्लीपर क्लास रेडी आयुष्मान तेरे लिए। वंडरफुल मैन, वंडरफुल। और इधर ना इतना तेज हवा चल रहा है, कैमरा भी ना हिल रहा है जोर से। नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत और पूरा फैमिली आपको स्वागत करता है लाइव टू एक्सप्लोर में। ऊटी में आज लास्ट दिन के आज ही निकल रहे हैं हम बेंगलोर के लिए। और जब से आए हैं लगातार बारिश हो रहा है, अभी भी बारिश हो रहा है, रात भर बारिश हो रहा है। लेकिन लकीली हमने बहुत सारा पॉइंट कवर कर लिया। कल हम कुन्नूर गए थे, उधर बारिश नहीं था और वेदर बहुत ही सुहाना वेदर था, तो हमने बहुत सारा पॉइंट्स कवर कर लिया। आज हम जाएंगे बेंगलोर एक डिफरेंट रूट से। आने के टाइम पे ना टिल थेप्पाकाडु सेम रूट रहता है। थेप्पाकाडु से दो रूट हो जाता है, एक मशीनागुड़ी होके ऊटी जो कि शॉर्टर रूट है 35 किलोमीटर के आसपास, और एक लंगर रूट है आई थिंक 60-65 किलोमीटर थ्रो गुड्डालूर। तो गुड्डालूर होके अभी जाएंगे क्योंकि ये साइड तो हमने आके देख लिया, दूसरा साइड भी नज़ारा एंजॉय करके जाएंगे। बारिश का मौसम में ड्राइव करने में तो मज़ा आता है मुझे, लेकिन और कोई पॉइंट हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप तो देख सकते हो कंटिन्यूसली बारिश हो रहा है। और मम्मी पापा को ना लगा कि ऐसा ठंडी जगह में जाना थोड़ा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है, इसीलिए हम अगर नॉर्थ के साइड में जाएंगे उत्तराखंड मनाली तो मम्मी पापा के लिए तो तकलीफ है। ठंडी में ना थोड़ा तकलीफ होता है। शायद हमको भी जैसे ही एज बढ़ता जाएगा एक्सट्रीम वेदर को टॉलरेट करने के लिए एनर्जी लेवल चाहिए, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा हमको भी। बट एनीवे ओवरऑल तो एंजॉय किया पूरा ऊटी। मतलब इन्होंने इतना सुंदर नज़ारे, टी स्टेट, ये सब पहली बार देखा तो बहुत अच्छा लगा वो सब चीज़। ये बाकी रह गया था। सब देख लिया हम। चलो निकलते हैं। चलो आयुष्मान, लेट्स गो। ओके, आयुष्मान पूरा डूड बन गया। आयुष्मान का दो फ्रेंड आ गए। वो खा नहीं पा रहे आयुष्मान, उसका मुंह में देना पड़ेगा। नहीं नहीं बाइट करेगा आयुष्मान, फ्रेंडली है। चलो ऑल सेट, बेड डाल देंगे। थोड़ा नीचे उतरने दो क्योंकि आयुष्मान को आगे बैठना रहेगा, घाट रोड है, नहीं तो उसको उल्टी आता है। नीचे जाएंगे फिर बेड मोड ऑन कर देंगे हमारा कैंपर वैन का, फिर आयुष्मान मम्मी ये सब सो के जाएंगे। डन ना। ओके, बारिश में पहाड़ों में ड्राइव मजा तो आता है लेकिन थोड़ा सा डेंजरस भी रहता है। हमको तो वैसे पता था क्योंकि हम वेदर रिपोर्ट देख के आए थे कि बारिश है ही, नीलगिरिस में मानसून में बारिश नहीं होगा तो कहाँ होगा। हर मौसम का एक अलग मजा रहता है, हम उसको चैलेंज की तरह ले सकते हैं या एंजॉय भी कर सकते हैं वेदर के हिसाब से, वो अपने अपने हिसाब से। ओके, आप भी नजारे का मजा लो, पूरा राउंड एंड राउंड ड्राइव। ब्रेकफास्ट करके निकल देंगे क्योंकि 8:30 हो गया और इधर से गुड्डालूर 2.5 घंटे के आसपास लग जाएगा क्योंकि बारिश वाला रास्ता है, राइट, घुमावदार। तो ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे क्योंकि आगे पता नहीं हमको मिलेगा नहीं मिलेगा ढंग का ब्रेकफास्ट। जंगल शुरू हो जाएगा। जंगल में तो मज़ा है, दिखता तो नहीं है जानवर कुछ, इतना सारा हिरन दिख रहा है लेकिन बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। हाथी नहीं देखा तुमने? देख लिया नहीं हाथी? दूसरे नहीं, खाली हरिण, बहुत हरिण, हरिण पूरा गद्दा डीर। वो तो नसीब नसीब का खेल है, जानवर दिखना एक नसीब है।
खाइयो पाइन फॉरेस्ट, यही है पाइन फॉरेस्ट एक्चुअली बोर्ड है पाइन फॉरेस्ट का। इतने बड़े बड़े पेड़, पाइन फॉरेस्ट पूरा है इधर तो। वैसे बहुत सारा शूटिंग भी हुआ है अभी तो, हॉरर मूवी और हर जैसा लगता भी है रास्ता ना, पूरा भयंकर, उजाला भी नहीं आता है, मतलब सूरज का किरने नहीं आते नीचे तक, इतना डरावना रहता है। फिर भी सनलाइट, फोकस वाला सनलाइट वो भी तो नहीं आता। पाइन फॉरेस्ट है ये, थोड़ा दिखा के आ जाता हूँ मैं आप लोगों को। बारिश हो रहा है, मम्मी पापा तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहे गाड़ी से, बोलते हैं और किधर नहीं देखना है बारिश पे। थोड़ा सा बारिश बंद है इसीलिए सोचे कि जाके आ ही जाते हैं थोड़ा देख के, क्यों क्योंकि हमने भी नहीं आया पाइन फॉरेस्ट, हमने कभी नहीं आया ना इधर। वो एक शूटिंग पॉइंट है, उधर गए थे लेकिन इधर नहीं आए थे। इधर भी तो बहुत सारा मूवी शूट हुआ है। और पापा गाड़ी के अंदर, वो नहीं आ रहे, बोलते हैं बारिश होगा मैं भीग जाऊंगा। हाँ सूरज भी निकल गया बेचारे, दो दिन से ऐसे बारिश में घूम रहे हैं, थोड़ा सा प्रसन्न हो जाऊंगा इसके ऊपर। सूरज हाँ जा क्या हवा चल रहा है, इतना ठंड लग रहा है ना, काफी तेज हवा चल रहा है। और ये पाइन फॉरेस्ट में खास करके ऐसा हवा चलता है ना, एक अजीब सा साउंड आता है जैसे समुंदर में वेव उठ रहा है। हाँ उस टाइप का ही कुछ आवाज है। वैसे भी हमने उत्तराखंड में ना पाइन फॉरेस्ट में पूरा पिकनिक बना लिया था। हाँ करेक्ट, हमारा कैंपर में लेके खाना वाना बनाया था, एक वीडियो है। पता नहीं आवाज कितना आ रहा होगा क्योंकि इतना तेज हवा चल रहा है। और मैं इंस्टा 360 में शूट कर रहा हूँ क्योंकि वो वाटरप्रूफ नहीं है हमारा मेन कैमरा। चलो निकलते हैं, हो गया एक पॉइंट एटलीस्ट। और ये आता है टुवर्ड्स गुडालूर, बीच में ही आपको आएगा, दिख जाएगा। वैसे बोर्ड तो कुछ नहीं है, पाइन फॉरेस्ट करके जो बोर्ड है उधर नहीं है। आप आओ रास्ते में, ऐसे ही एक व्यू पॉइंट जैसा दिखेगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरा पॉइंट है शूटिंग स्पॉट, इधर बहुत सारा गाड़ी है क्योंकि ये थोड़ा सा पॉपुलर है ये जगह। और इधर ना टिकट लगता है, आप देखो पूरा ऊपर तक जो रोड दिख रहा है ना, पूरा उधर चल के ऊपर तक जाना पड़ेगा तभी आपको व्यू अच्छी तरह से नजर आएंगे। हमने दूसरा स्पॉट पे रुक गए शूटिंग स्पॉट, इधर तक आए हैं और बारिश बंद है तो सोचा आप लोगों को भी दिखा ले जगह। मम्मी पापा तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये देखो हाइट चढ़ाई है, इतना चढ़ाई है, मतलब ये तो वैसे कैमरा में ऐसा प्लेन नज़र आ रहा है ना, लेकिन पहाड़ जैसा ऊपर चढ़ चढ़ के जाना पड़ेगा। और वो पहले से बोल दिया हम चढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उधर से ही देख लेते हैं, ग्रासलैंड जैसा दिखता है। ओब्वियसली ऊपर जाते तो और व्यू अच्छा आता। और तेज़ हवा है, इतना ठंड है कि उनको काफ़ी ठंड लगता है। वो
वंडरफुल मैन, वंडरफुल। और इधर ना इतना तेज हवा चल रहा है, कैमरा भी ना हिल रहा है जोर से, पता नहीं आवाज़ कितना कैप्चर हो रहा होगा। और इधर ड्रोन अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली लिखा है, क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जगह है और ड्रोन कैमरा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। पूरा टॉप पे आगे, और भी आप ऊपर चढ़ के जा सकते हो ऐसा। बादल ही बादल यार, हवा, बादल, ड्रिजलिंग। चलो नीचे चलते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए आगे। हम तो इधर आए थे बहुत साल पहले, कितना 10 साल पहले आए थे, हैं 10 साल पहले आए थे। आयुष्मान नहीं आया था, आयुष्मान बन ही नहीं हुआ था, हैं आयुष्मान का ये पहली बार है, पहला बार है इधर शूटिंग स्पॉट पे। चले नीचे चले, ओके चलो। इतना तेज हवा चल रहा है, अच्छा हुआ मम्मी पापा नहीं है, नहीं तो उनको तकलीफ होता एक्चुअली। बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है, इतना हवा चल रहा है कि चलो चलो। मतलब नीचे आने के बाद ही बारिश हुआ, अच्छा हुआ ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि शेड तो कुछ है नहीं, भीग जाते। वैसे छाता था लेकिन सिर्फ एक, कोई नहीं तो छाता भी काम काम नहीं आता था, छाता तो खुलने को नहीं हुआ ना, इतना तेज हवा, अगर खुलता तो छाता उड़ जाता पक्का। हाँ बहुत जोर पवन होती छेड़े, आ तुम जा पार ना तो ऊपर बहुत चढ़ी जाओ। चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। व्हाट ए वंडरफुल राइड मैन। इसीलिए आप अगर ऊटी आ रहे हो ना, दोनों तरफ का रूट, जो मसीनागुड़ी वाला और गुड्डालूर वाला, वो दोनों ट्राई करना, क्योंकि दोनों का नज़ारा एकदम अलग है। पाइन फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट और बारिश, पूरा फगी फगी रोड, विजिबिलिटी लो। सही में यार चलाने के लिए क्या टी स्टेट भी बीच बीच में, क्या मजा। ड्राइव करना ही एक अलग एक्सपीरियंस है, चाहे आप व्यू पॉइंट कवर करो या ना करो। ओहो हाँ, नीलगिरी का पूरा फॉरेस्ट, उसका खुशबू भी जबरदस्त आ रहा है, जैसे ही हाँ वो टी गार्डन है आगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि हर टाइम बस शूट करता ही रहूं। ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं, कौन सा शूट करें कौन सा छोड़ दें समझ में नहीं आ रहा है। वैसे हम ऑलमोस्ट नीचे उतर गए हैं, गुड्डालूर आएगा, उसके बाद आएगा थेप्पकाडू, फिर डीप फॉरेस्ट आएगा। वैसे तो कुछ जानवर तो दिखता नहीं है, दैट्स ओके, ठीक है। हिरन दिखता है ना, फिर क्या, आयुष्मान बोला हिरन दिखता है तो क्या है, और फिर कुछ तो दिखता है, वाइल्ड लाइफ जो दिखा है वही सिकंदर, जो जीतता वही सिकंदर, गलत डायलॉग हो गया। इतना दिखा, इतने में खुश हो जाना चाहिए। हाँ फिर क्या, लाइफ में जो मिलता है बस उतने में खुश, फिर तो लाइफ देती रहती है, जो है उसके बारे में ही खुश नहीं रहेंगे तो जितना मिलेगा उस तभी भी खुश नहीं रहेंगे। आहा क्या नजारे। गुड्डालूर अभी 5 किलोमीटर बाकी है और पूरा टी स्टेट के बीचों बीच होके हम ड्राइव कर रहे हैं। वंडरफुल नज़ारे, ऐसा झरना तो दिखता ही रहता है।
और बारिश भी चालू ही है। ओहो क्या लग रहे हैं। वैसे ये भी शायद वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ही है क्योंकि इधर लिखा है एलिफेंट क्रॉसिंग गो केयरफुली, तो इधर से निकल जाते हैं। पता नहीं ये शायद अलाउड है नहीं अलाउड है। वैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोर्ड नहीं है, डू नॉट पार्क। आगे तो मिल ही जाएगा हमको जंगल। चलो फिर निकलते हैं इधर से। कितना है किलो? 300। ये इधर लोकल होता है क्या? इधर ये इधर लोकल केरला आता है। इडुकी। अच्छा ऐसा निकलता है पूरा, और ये एकदम स्वीट रहता है। बाहर नहीं से भीतर धरा दो सुनी सेड़ा खाइयो। हाँ पूरा बढ़िया टेस्ट। नहीं बड़े टेस्ट ना। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व वेलकम्स यू। टाइगर रिजर्व की शुरुआत इधर से। थेप्पाकाडु पहुंच गए हम। यहाँ से थोड़ी ही दूर में आई थिंक 10-12 किलोमीटर शायद रहेगा, फिर तमिलनाडु एग्जिट मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, फिर हम बंदीपुर होके जाएंगे। ये जगह पे रेस्ट रूम का फैसिलिटीज़ है क्योंकि हम पूरा डिफॉरेस्ट होके जाएंगे, कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा ना, तो इधर रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं। फिर बहुत सारा और ऑप्शन है स्टे का, रिसेप्शन सेंटर है इधर, तो ये सब आप नोट कर लेना। और बुकिंग कॉन्टैक्ट सारे सफारी फफारी फॉरेस्ट है ये सब है। रिसेप्शन सेंटर पकड़ू। चलो लेट्स गो, लेट्स कंटिन्यू। वेलकम टू कर्नाटका। बंदीपुर आ गया। फंगल सब खत्म हो गया और टाइम भी हो गया खाना खाने का 1:30, तो हम लंच करने के लिए रुक गए। लंच करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, पहुँचते पहुँचते तो इवनिंग हो ही जाएगा। अभी दिखा रहा है 5:48 PM इधर आधा घंटा 7 या 8 बजेगा 7 बजेगा 8 तो नहीं बजेगा, 7 बजे पहुँच जाएंगे शायद अगर ट्रैफिक वाफिक नहीं लगा तो। चलो खाना खाते फिर निकले। खाना हो गया हमारा, अभी बेड सेटअप कर लेंगे ताकि आराम से सो के जा सके। वैसे खाना ना इतना कुछ खास नहीं था। आप अगर जा रहे हो गुंडलपेट के तरफ से अगर ये वाला दिखा ना, आई वुड सजेस्ट अवॉइड। ऑल सेट। चलो फिर आजा आयुष्मान किधर। स्लीपर क्लास रेडी आयुष्मान तेरे लिए। मिनी स्लीपर क्लास आयुष्मान का ये।
सो गया कैसा सोएगा आयुष्मान? देखा ऐसा सो जाएगा पूरा। अभी सीधा घर पे मिलते हैं, पूरा ड्राइव पे फोकस, 5 घंटे के आसपास लग जाएगा। घर पे 7:10 परफेक्ट टाइमिंग। हमको लग रहा था थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि बारिश चल रहा था, राइट, ट्रैफिक जाम हो सकता था, लेकिन नहीं है, सब कुछ परफेक्टली। 2 दिन का ट्रिप, एक्चुअली 2 नाइट 3 डेज का ट्रिप, बहुत सारा जगह हमने एक्सप्लोर भी कर लिया बारिश के साथ साथ। वैसे ये तो ट्रिप पूरा मम्मी पापा के लिए थे, मम्मी पापा के लिए ही ये ट्रिप बना था क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी ऊटी जाके आ चुके थे और मुझे थोड़ा कमर्शियलाइज्ड वाला जगह थोड़ा इतना पसंद नहीं है। वैसे मम्मी पापा ना मतलब ब्लॉग एंड करने से पहले ही जाके ड्रेस पे सब चेंज कर लिया, तो ऐसे ही होता है, मतलब हमेशा कभी कभी ऐसा कमेंट आता है ना, उनको इन्वॉल्व कर रही हो, ऐसा हमेशा नहीं हो पाता यार, कभी हमको पता नहीं रहता है आसपास रहते हैं या कभी नहीं रहते हैं या उनका कुछ रहेगा, तो हमेशा ऐसा इन्वॉल्व करना और पूरा ऐसा ब्लॉग में छोटी छोटी चीज़ नोटिस करना, ये नहीं होता यार, मतलब सब कुछ कैसे नोटिस करेंगे। जब ब्लॉगिंग होता है, कैमरा ऑन होता है ना, हमको भी नहीं समझ में आता क्या होता रहता है आसपास में, राइट, क्योंकि मेरा स्क्रिप्टेड नहीं रहता, मैं स्पॉन्टेनियसली ब्लॉग बनाता हूँ, सिचुएशनल जो कुछ भी है वैसे ही बना लेता हूँ। एनीवे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ वर्चुअली ऊटी एंजॉय किया, वो भी मानसून वाला। नेक्स्ट वीकेंड में फिर से मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।